अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे गेहूं के दलिए से बनाई गई हलीम, जिसके लिए हमने एक किलो दलिया लिया है गेहूं का। ये इस तरह का मार्केट में दलिया मिल जाता है आसानी से, इस तरह से बारीक होता है ये दलिया इस तरह से, तो ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है। तो ये हमने टोटल, ये 500 ग्राम का है, तो हमने टोटल दो लिए हैं, ये एक किलो लिया है टोटल हमने ये दलिया। तो उसके हिसाब से हमें चने की दाल 300 ग्राम लगेंगी। ये हमने एक कप भर के और फिर आधा कप लिया है, तो ये कप 200 ग्राम का है, तो ये हमने 300 ग्राम चने की दाल लिए हैं इसके लिए। तो एक किलो के हिसाब से हम 300 ग्राम चने की दाल डाल रहे हैं, और 100 ग्राम मसूर की दाल लगेगी हमें, और 100 ग्राम हमने मूंग की दाल लिया है। तो ये हम पहले दाल को अलग भिगोकर इसे अलग से गलाएंगे, और ये दलिए को हम 4 से 5 घंटे भिगोकर रखेंगे। और अगर बहनों, अगर आपके पास मार्केट में या आपके वहाँ ये दलिया नहीं है या नहीं मिलता, तो आप गेहूँ आप सुबह में रात भर भिगा, गेहूँ अगर आपके पास है तो आप रात भर गेहूँ भिगा कर उसे सुबह में उसका पानी निथार कर उसे थोड़ा हवा में सुखा लेना, फिर उसके बाद उसे मिक्सी में रफली पीस लेना, फिर उसके बाद उसे और थोड़ा सुखा के उसको सूप से पछोड़ के इसके ऊपर के जो छिलके होते हैं वो निकाल लेना, फिर उसे और 2-3 घंटे भिगा के आप कुकर में गला सकते हैं उसे। गेहूँ ज़रा देर से गलते हैं तो इसलिए इसे कुकर में गलाएं। और हम इसे किस तरह गलाना है इसका तरीका हम आपको बाद में बताते हैं, पहले सबसे पहले हम इसे भिगा देंगे, फिर हमें मसाले क्या क्या लगेंगे हम और फिर बताएंगे आपको। जो हमने हलीम के गेहूँ जो भिगाए थे ये दलिया, तो ये से हमने 6 घंटे से इसे भिगा के रखा था, तो ये अच्छी तरह हमारा ये दलिया भीग चुका है। अब इसे हम एक भगोने में पानी गर्म को रखा है, हमने गर्म को रखा है इसे 10-15 मिनट से, इसमें हम ये डाल देंगे। ये भगोने में हमने पानी का अधन रखा था, उसमें हम ये डाल देंगे इस तरह से। ये जो हमने दलिया भिगाया था उसका पानी है ये, वो भी हम डाल देंगे। टोटल हमने इसमें 2 लीटर पानी में हमने इसे भिगोया था, और फिर और हमने 1 लीटर पानी डाल, आपके हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर हमें लगा के और लगेगा पानी तो हम और डालेंगे। अभी हम इसमें सिर्फ 2 टेबल स्पून नमक डाल के इसे गलने देंगे। इसमें हम ये 1 से 2 टेबल स्पून नमक डाल रहे हैं, फिर बाद में हम और डालेंगे चक्कर। और ये 3 टेबल स्पून तेल है, मीठा तेल, ये डाल रहे हैं। बस इसमें हम 20 से 30 मिनट तक इसी तरह में गलने देंगे। और फिर अब जो दालें हमने ये भिगाए थे ढक्कन ढककर हम 20 मिनट गलने देंगे। ये जो दाल हमने मसूर की, चने की और मूंग की दाल जो भिगाई थी वो भी 4-5 घंटे से भीग रही है, अच्छे से गल चुके हैं। अब हमें इससे 2 से या 3 सीटी देकर कुकर में हम इसे भी गला देंगे। बाकी के मसाले हम फिर आपको बाद में बताते हैं। ये हमारा हलीम 20 से 25 मिनट से इसे हमने गलने दिया है, कम हमने 10 मिनट फुल गैस पे गलने दिया था, फिर उसके बाद हमने आंच को स्लो कर दिया था। तो ये अच्छी तरह से ये हमारा दलिया अच्छे से गल चुका है। अब इसे हम और 3-4 मिनट गलने देंगे, उसके बाद हम गैस बुझा देंगे, और इसमें से हम बिल्कुल 2 से 3 कप मिक्सर में डाल के इसे पीस देंगे। बाकी का हम ऐसे ही मोटा मोटा रहने देंगे, सिर्फ मामूली बस 2 से 3 कप हम इसे इसमें से थोड़ा सा आटा पाव निकाल कर हम इसमें से पीसेंगे मिक्सी में, और बाकी का वैसे ही रहने देंगे क्योंकि ये अच्छे से गल चुका है। तो चलिए फिर हम गैस को बंद कर देंगे, ये अभी अच्छे से गल चुका है हमारा, गैस हम बंद कर देंगे। हमने दाल को भी ब्लेंड कर दिया है
पीस लिया है इसको। गलने के बाद हमने इसे 4 से 5 सीटी होने दिया था, 20 से 25 मिनट तक हमने इसे गलने दिया था। और ये एक प्याली दलिया जो था उसमें से हमने सिर्फ एक प्याली ही पिसा है, बाकी का दलिया वैसे ही रहने दिया हमने, थोड़ा मोटा मोटा, बस एक प्याली भर के, इतना इतना बॉल भर के हमने, ये बड़ा बॉल भर के हमने इसको इतना ही दलिया पिसा है हमने, और बाकी का वैसे ही रहने दिया। अब हम ये मसाले बघारे बाद इसमें हलीम में डाल देंगे, दाल को भी, इसलिए हमने आप चाहे तो मिक्सर में भी पीस सकते हैं या हैंड ब्लेंडर भी कर सकते हैं। ये हमने मटन लिया था, 1.5 किलो मटन है ये, इसमें हमने हल्दी नमक और अदरक लहसुन डाल के 5 से 6 सीटी होने तक इसे गलने दिया। इसे टोटल हमने आधा घंटा गलने दिया, 20 मिनट हमने फुल गैस पे और 10 मिनट हमने स्लो आंच पे गलने दिया। तो ये हमारा मटन गल गया है। अब हमें मसाले लगेंगे, तो हम इसके लिए हमें चाहिए, पिसने के लिए हमें ये मसाले लगेंगे, जो काला मसाला है जो हमने पाए के सालन में और मांडे के सालन में भी डाला था। ये धनिए का फूल, दो आधी प्याली समझे धनिए का फूल लिया है हमने, और 6-7 तेज पत्ते और 10 से 12 किनाकेसर जिसे कबाब चीनी भी कहते हैं, ये लिया है। और ये बादिया, तीन फूल चक्री हमने बादिये के लिए हैं, और 4 बड़े इलायची लिए हैं। और इन सब मसालों को हम तवे पे भून लेंगे, जैसा हमने पाए के सालन के मसाले को भुना था, और गरम मसाले को भी हमने भून लेंगे, इसे हमें अलग से पीसना है। ये हमने 1 टीस्पून शाहजीरा, 10-12 काली मिर्ची और 2-4 इलायची और 2 से 3-4 लौंग और 4-5 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। इसे भी हम भून के इसको भी बारीक मिक्सी में पीस लेंगे। और ये खोपरा, हमने 5 टेबल स्पून खोपरा लिया है, टोटल ये 100 ग्राम खोपरा है। और ये प्याज हमने तीन चार प्याज लिया था हमने, इसे पतले स्लाइस में काटे हैं, जो हमें गार्निशिंग के लिए हलीम में लगेगी। तो इसे हम तल के, इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे तल लेंगे। और कोथमीर, हमने ये हरा धनिया 1 टेबल स्पून लिया है, 2 से 3 हरी मिर्ची, ये भी हम मसाले में पिसने में ले लेंगे। और ये प्याज, हमने 1 बड़ी प्याज लिया था, इसे रफली मोटा मोटा चॉप कर दिया था हमने, इसे भी हम तवे पे भूनकर ये सब एक साथ पीस लेंगे हम, हरा धनिया, कोथमीर और खोपरा, और गरम मसाला खाली बाद में पीसेंगे। और हमने हलीम में डालने के लिए हमने 3 टेबल स्पून धनिया की बुकनी लगेगी, 1 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर लिया हमने, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून हमने मिर्ची लिया है, लाल मिर्ची का पाउडर, और 3 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लगेगा, क्योंकि हमारा हलीम ज़्यादा है, तो हम इसलिए 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन लेंगे हम, और 200 ग्राम मीठा तेल लगेगा हमें, और फिर हम प्याज का तेल भी इसमें डालेंगे बाद में। तो चलिए हम ये मसाला को भून के मिक्सर में पीस लेते हैं। खोपरा हमने भून लिया है जैसे पाए के सालन को भुना था, और ये हरी मिर्ची को भी इसमें हल्का सा फ्राई कर दिया है, ताकि इसमें कच्ची भून आए बोल के, इसे भी हमने भून लिया है। और ये तेज पत्ता, बादिया, ये भी हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम खोपरा डाल के पीस लेंगे। ये प्याज को भी हमने एक तरफ दूसरे तवे पे थोड़ा बिल्कुल 1/4 टीस्पून तेल डालकर इसे भी हम हल्का सा ब्राउन होने तक भून लेंगे। इसे भी हम खोपरे और तेज पत्ते के, इलायची के, काले मसाले के साथ इसे भी पीस लेंगे। हम जो ये भगोने में जो हलीम रखे थे उसमें हम ये जो दाल वो पीस के रखा था हमने, वो इसमें डाल दे रहे हैं। इसे अच्छी तरह से हिला देंगे, फिर बघार हम एक अलग से भगोने में बघार के फिर इसमें मिलाएंगे, और ये जो हमने पीस के रखा था वो भी इसमें डाल देंगे। फिर दूसरे एक अलग से भगोने में हम मसाला वो सब बघार के फिर इसमें मिक्स कर डालेंगे।
जैसे हम एक तरफ पकने देंगे और अब इधर हम भगोने में बगारेंगे। सबसे पहले हम ये जो तेल रखा था हमने 200 ग्राम वो डाल देंगे। ये अलग से हमने छोटा भगोना लिया है बगार को, और वो हमारा दलिया दूसरे भगोने में है गलावा, उसमें हम ये बगार डाले बाद उसमें मिला देंगे, मिक्स कर देंगे। सबसे पहले हम तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। सबसे पहले हम ये अदरक लहसुन जो रखा था हमने वो डालेंगे पूरा अच्छे से, इसे हल्का सा फ्राई होने देंगे। फिर उसके बाद हम इसमें ये धनिया की पत्ती जो रखी थी वो भी डाल देंगे। फिर ये लाल मिर्ची पाउडर जो रखा था हमने वो भी डाल देंगे। फिर इसे थोड़ा भूनेंगे 2-3 मिनट। फिर ये हल्दी पाउडर, उसके बाद हम ये मसाला डालेंगे। हमने पीस दिया था हमने बारीक, इसको से बहुत ज़्यादा बारीक नहीं भी पिसे तो चलता, क्योंकि अब हमारा हलीम थोड़ा मोटा मोटा ही रहता है। हलीम में या कोई भी चीज़ में आप खिचड़े में या कोई भी चीज़ में अगर आप डाल रहे हैं तो मसाला मोटा भी रहता चलता, सिर्फ हमें सालन के लिए ही मसाला बारीक चाहिए, बाकी हलीम में मोटा भी रहता चलता मसाला। इसे 2-3 मिनट तक अच्छे से फ्राई होने देंगे, भूनेंगे हम इसे। इसके बाद इसमें हम मटन डाल देंगे। इसे हमने 2-3 मिनट पकने दिया, अब इसमें हम ये मटन जो रखा था वो डाल देंगे। इसे और 4-5 मिनट पकने देंगे, फिर उसमें हम हमारे दलिये में फिर डाल देंगे। ये हमारा 2-3 मिनट से पक रहा है, इसको इसमें अभी हम नमक डालेंगे। हमने 1 टेबल स्पून से 1.5 टेबल स्पून नमक डाला है, आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसे हम ये दलिये में डाल देंगे। अभी हम इसमें ये इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करके इसे हम 8-10 मिनट और पकने देंगे ढक्कन ढक के। इसे अच्छे से पकने देंगे। ये 4-5 मिनट से हमारा ये हलीम पक रहा है। अब इसमें हम आखिर में ये गरम मसाला जो हमने भूनकर बारीक पीस लिया था ये सबसे आखिर में से इस तरह से डाल लेंगे, और हरी मिर्ची डाल देंगे इसमें। और ये 6-7 हरी मिर्चियों को हमने बीच में से कट लगा दिए थे ये भी इसमें डाल देंगे। और बस अब इसमें हम बस इसे हम 4-5 मिनट और पकने देंगे, इसके बाद ये हमारा हलीम तैयार हो जाएगा। इसे हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। ये हमारा हलीम तैयार हो चुका है। इससे हम ये जो प्याज तल के रखे थे फ्राई करे थे हमने, इसके तेल से और प्याज के स्लाइस से और हरे धनिए से इसकी गार्निशिंग करेंगे। इस तरह से हम इसमें प्याज डालेंगे। और इस तरह से हरा धनिया डालेंगे। लीजिए ये हमारा हलीम तैयार है। इसे हमने नींबू से और प्याज और हरे धनिए से इसकी गार्निशिंग की है, और प्याज का तेल भी हमने इसमें डाला। तो आप जब भी खाएं इसके तेल डाल के खा सकते हैं, आप असली घी भी डाल के खा सकते हैं। तो बहनों ये हमारा लजीज हलीम तैयार है।